मध्य प्रदेश के नागरिकों को 15 अगस्त से रजिस्ट्री व्यवस्थाएं में नई सौगातें मिलने जा रही हैं। से प्रदेशवासियों को बार बार सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने से आजादी मिलेगी। रजिस्ट्रार ने बताया कि संपदा 2.0 मोबाइल ऐप 15 अगस्त लागू हो रहे हैं। इस सुविधा के बाद से जमीनों की खरीदी के तत्काल बाद ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो देश में पहली बार क्रियान्वित हो रही हैं। जिले में कृषि भूमि के खसरे के अंतरण के दस्तावेज रजिस्टर्ड होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके चलते संपदा एप्लीकेशन से राजस्व विभाग के रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग से साइबर तहसीलों में स्वतः नामांतरण होना शुरू हो गया है। सॉफ्टवेयर में विभिन्न विभागों को लिंक करने की सुविधा है। इसमें उन्हें अपने कामों के लिए पंजीयन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संपदा 2.0 में पंजीयन के लिए आधार और ई-KYC की जरूरत होगी। संबंधित लोगों के बायोलॉजिकल आईडी से दस्तावेज तैयार होंगे, तभी संबंधित व्यक्ति को सत्यापित करना होगा। सभी पक्षकारों को अलग अलग माध्यम से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ही आप सुविधा का लाभ ले सकेंगे। है हमारे जो सेवा प्रदाता है पंजीयन विभाग के अंतर्गत पंजीकृत जो लाइसेंस ले रखे हैं, इनका क्या बोलते हैं ऑन हैंड ट्रेनिंग चल रही है। अभी क्या है कि हमारे जो संपदा का जो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के संबंध में मॉड्यूल चलता है संपदा, इसका अपग्रेड वर्जन संपदा 2.0 लागू होना है। अभी क्या बोलते डेट फाइनल नहीं आई है, कुछ दिनों में लागू हो जाएगा। ये पूरी जो योजना है बिल्कुल कंप्यूटरीकृत है और ऑनलाइन योजना है। इसमें क्या बोलते पक्षकार जो है आधार कार्ड से जुड़ेगा और आधार कार्ड के मार्फत अगर वो वेरीफाई होता है तभी वो रजिस्ट्री कर पाएगा। अब सर एक्चुअली में ये जो मॉड्यूल में इस मॉड्यूल के तहत ये कर रहे हैं कि जो कंसल्टिंग डिपार्टमेंट होगा जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या नगर पालिका है उसमें जिसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखा होगा वही उसका बेच पाएगा, वही उसका मालिक रहेगा। अगर वो नामांतरण नहीं करवा पाया या उसका नाम नहीं आया तो वो उसको ऑटोमेटिक नहीं ले पाएगा, वहीं पर प्रॉपर्टी डिटेल में ही नहीं आएगा उसका नाम। अगर नामांतरण है जमीन पे सचिव का नाम है इसके लिए क्या? सर हमारा काम रजिस्ट्रेशन का काम है। हमारा जो अगर डॉक्यूमेंट अगर करता है अगर जो भी खाना पूर्ति करता है दस्तावेज पंजीयन के लिए जो खाना पूर्ति है अगर व्यक्ति करता तो हमारा काम उसका रजिस्ट्रेशन करना है। क्या नाम था? हरजीत ठाकुर, सब रजिस्ट्रार खरगोन। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।